भगवते नमो भगवते नमो भगवते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे श्रीगुरोदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमेश्वरम् नारायण नमस्कृत्यम नरम चरोम दी सरस्वती भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति नैश्चि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण आप सभी भक्तों का आज पुनः एक बार फिर से स्वागत है कथा रूप कार्यक्रम में जो कि भागवत स्कंद रूपी उसके ऊपर आधारित है और हम कथा रूप में भागवत कर रहे हैं जिसमें अभी हमारी कथा चल रही थी वामन भगवान की कथा वामन भगवान पहुंच चुके थे बलि महाराज के उस यज्ञ स्थली में जहां वो सौ में यज्ञ कर रहे थे और बलि महाराज ने उनके चरण धो करके उनसे जल ग्रहण किया उनकी उनको आसन दिया फिर देव से पूछा आपको क्या चाहिए अच्छे से पूछा आपको धन जमीन चाहिए ऐश्वर्य चाहिए गाय चाहिए क्या क्या चाहिए तो सीधा सीधा उस छोटे से बालक ब्राह्मण ने कहा मुझे मात्र तीन पग भूमि चाहिए तो बलि महाराज मुस्कुराते हुए बोले कि तुम्हें और अधिक कुछ चाहिए तो मांगो मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ यहाँ तक कि मैं क्या दे सकता हूँ तुम्हें पूरा एक पूरा एक, पूरा एक द्वीप द्वीप दे सकता हूँ तो बलि महाराज किस बात को सुन करके जो छोटा सा बालक है वामन वो जो है बलि महाराज को सुंदर शिक्षा देना शुरू करते हैं कि कितना भी धन संपत्ति एकत्रित हो जाए हम कभी भी उससे संतुष्ट नहीं हो सकते हैं व्यक्ति को जो प्राप्त हुआ उससे उसको संतुष्ट रहना चाहिए इस प्रकार से बहुत सारी शिक्षाएं हुई फिर बलि महाराज जो है वो अः बोलते हैं ठीक है अब अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो मैं हाथ में जल ग्रहण करके संकल्प ले लेता हूं और वो जो संकल्प ले रहे थे अः अभी हम आगे पढ़ेंगे तब थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा था कि संकल्प ले लिया था कि ले रहे थे तो जब संकल्प ले रहे थे तब तुरंत उनके गुरु आ गए उनका गुरु का नाम है शुक्राचार्य शुक्राचार्य जी ने आकर के बली महाराज को रोक दिया और रोक करके कहा कि बली तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो और तुम्हें आगे जाके भी इस बात को मालूम पड़ेगा कि ये जो तुम्हारे घर पे जो छोटा सा ब्राह्मण तुम्हें दिख रहा है ये कोई छोटा ब्राह्मण नहीं है ये स्वयं विष्णु है और ये तुम्हारी धन संपत्ति तीनों लोगों का ऐश्वर्य सब कुछ ये तुम्हारे से छीन लेगा ऐसा करके जब खास करके शुक्राचार्य जी ने जब उनको बताया तब भली महाराज अभी तक कुछ बोले नहीं थे शुक्राचार्य जी ने यहां तक भी बोला कि तुम सब कुछ लुटा लोगे तो तुम्हारी आजीविका के लिए क्या बचेगा सब कुछ इसको दे दोगे तुम्हारी आजीविका के लिए क्या बचेगा वो तुम्हारे से सब कुछ छीन लेगा और अंत में हमने देखा था कि आ, जो शुक्राचार्य जी हैं वो अपने मुँह से ही एक बात बोल पड़ते हैं जो उनके स्वार्थ संबंधित थी वो क्या बात थी पढ़ के बताइए डॉक्टर रेशमा माता जी खुद के स्वार्थ संबंधित एक बात बोलते हैं और वो बात सीधा का सीधा शुक्राचार्य जी अपने लिए बोल रहे हैं यस yes. प्रभु जी उन्होंने कहा विद्वान जन कभी भी उस दान की संस्तुति नहीं कर, करते जो दानी व्यक्ति की जीविका में संकट डाल दे व्यक्ति को सावधानी पूर्वक अपनी संपत्ति पांच भागों में विभाजित करनी चाहिए धर्म ख्याति ऐश्वर्य इंद्रिय भोग परिजनों का पालन इस प्रकार वह पुरुष संसार में तथा मृत्यु अगले संसार में भी सुखी रहता है और जिस यदि तुम यह कहो कि तुम अपने वचन को तोड़ना नहीं चाहते तो ब्र, में भी यह प्रमाण सुन लो जो बताते हैं कि ओम का उच्चारण नहीं किया जाता तब तक वचन वैध नहीं होता प्रभु जी फिर आगे है मेरी मानो तो इस ब्रह्मचारी को दान देने से स्पष्ट मना कर दो Hmm. यद्यपि ऐसे करने में तुम्हें थोड़ा झूठ बोलना होगा परंतु यह तुम्हारी रक्षा करेगा स्त्री को अपने नियंत्रण में उपास के समय विवाह के लिए जीविका के लिए स्वयं को संकट से उबारने के लिए गायों और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए और शत्रु के हाथों अपनी जान बचाने के लिए बोला गया झूठ कहीं निंदी, निंदा नहीं की गई है ठीक है जो मेरा बिंदु है वो अभी तक आया नहीं लेकिन एक और बात ये आ गई कि तुम झूठ बोल सकते हो ऐसा करके बोल दिया कि गुरुदेव ही बोल रहे हैं तुम झूठ बोलो जीवन भर जो गुरुदेव सिखाते हैं कि भगवान को समर्पण करना है आज वही गुरुदेव रोक रहे हैं ठीक है अब आगे जो है शुक्राचार्य ब्राह्मणों के उस वर्ग में आते थे जो अपने शिष्य द्वारा दी गई दक्षिणा से अपना जीवन यापन करते हैं इसलिए वे अत्यधिक चिंतित थे यदि बलि अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देंगे तो फिर उनका क्या होगा ये बात थी यहाँ पर उनका क्या होगा यही स्मार्त ब्राह्मण और एक वैष्णव ब्राह्मण में अंतर है स्मार्त ब्राह्मण सदैव अपने लाभ के विषय में सोचता है जबकि एक वैष्णव प्रत्येक परिस्थिति में भगवान को संतुष्ट करने का विचार करता है ठीक है वो वैष्णव ब्राह्मण भक्त है स्मार्त ब्राह्मण जो है अपनी आजीविका के लिए सोचता है जिन वो यजमानों के ऊपर निर्भर है उनके बारे में सोचता है बली महाराज गुरु द्वारा दिए गए तर्क सब तर्कों को सुना और कुछ क्षणों के लिए मौन रहकर इस विषय पर विचार करने लगे अब विचार विचार कर रहे हैं मौन रह गए अब कुछ वो बोलेंगे कल ही तक किया था जी जी प्रभु ठीक है कल की क्लास विशेष थी सब लोग बैठ के देख रहे थे इधर उधर से एयरपोर्ट पे भाई क्लास कर रहे ये भागवत बोल रहे हैं <laughs> कोई तो वीडियो बना रहा था मैं देखा नहीं कहाँ पर है कौन बना रहा है पर अच्छा लगा कि भगवान की कथा वहां बैठ के भी हो सकती है वो जो धन्यवाद आगे बढ़ते हैं। बलि महाराज ने सोचा मैं अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता परंतु मैं देख रहा हूं कि शुक्राचार्य अपने गुरु पद से गिर चुके हैं गुरु पद से गिर चुके हैं क्यों क्योंकि वो कृष्ण भक्ति से भगवान विष्णु को समर्पण करने से मना कर रहे और अपना निज स्वार्थ देख रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि वो अपने गुरु पद से गिर चुके हैं शिष्य को भगवान विष्णु की शरण लेने की अपेक्षा वे उनसे उनकी सेवा त्यागने की शिक्षा दे रहे हैं। विष्णु की शिक्षा विष्णु की सेवा मत करो उनकी शरण में मत जाओ ऐसा कोई गुरु होता है क्या गुरु किसके शरण में जाने के लिए बोलता है भगवान के शरण में जाने के लिए बोलता है गुरु मात्र कृष्ण भक्ति करने के लिए बोलते हैं लेकिन यहाँ पर शुक्राचार्य क्या कह रहे हैं नहीं 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 यह तुम्हारे से सब कुछ छीन लेगा बात 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 मत सुनो मेरी बात सुनो मेरी मेरी मानो यह कह रहे शुक्राचार्य ठीक है शिष्य को भगवान विष्णु के शरण में लाने की अपेक्षा वे उसे अपनी सेवा त्यागने की शिक्षा दे रहे गुरु के कर्तव्य से च्युत होने के कारण उनका त्याग करने में कोई अपराध नहीं है ये कोई सोच रहा है कौन सोच रहा है बलि ये कुछ बातें हैं ना थोड़ा सा जनरली क्या होता है कि हम रिपीट करते तभी याद याद होती है लेकिन कुछ ऐसी बातें जो पहली बार में भी याद हो सकती है वो वो ये बातें हैं कि अपने गुरु का तिरस्कार कर दिया ऐसा गुरु जो कृष्ण भक्ति करने नहीं दे रहा उनके शरण में जाने नहीं दे रहा समर्पण करने नहीं दे रहा है मनी मन उन्होंने सोचा बलि महाराज ने कि मैं इनका अगर त्याग कर दूंगा क्योंकि अपने गुरु की स्थिति से च्युत हो चुके गिर चुके हैं तो इसमें कोई अपराध नहीं है इसमें कोई गुरु अवज्ञा नहीं होगी अन्यथा सामान्यतया हमें किसी भी अपने प्रमाणिक गुरु को तिरस्कार करने की त्याग करने का कोई अधिकार नहीं है और साथ ही साथ हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हम इन गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते हम इन गुरु से ये मेरे गुरु नहीं है अगर कोई प्रमाणिक गुरु है तो और साथ ही साथ मैं ये बोल रहा था कि उन गुरु का ऋण कभी भी हम अपने जीवन में नहीं उतार सकते ऐसा नहीं हो सकता कि गुरु जी मैं आपका ऋण उतार दिया हूं अब मैं आपसे संपर्क नहीं रखना चाहता हमेशा गुरु से ही कृष्ण मिलेंगे और हमेशा हमारे ऊपर गुरु ऋण बना रहेगा ठीक है इसलिए मेरे लिए यही श्रेष्ठ होगा कि मैं उनकी परवाह न करते हुए एक प्रकार से भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करूं और गुरु अवज्ञा का जो पाप होगा मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है गुरु की अवज्ञा करने का गुरु को तिरस्कार करने का अगर कुछ पाप लगेगा कुछ अपराध होगा तो मैं उसकी ज्यादा चिंता नहीं करता हूं मैं अभी क्या करता हूं भगवान की सेवा कर लेता तो मनन चिंतन भाँगार करने के पश्चात बलि महाराज ने शुक्राचार्य से कहा गुरुदेव मैं आपके कथनों से पूरी तरह सहमत हूं इसमें दो राय नहीं ग्रस्त को केवल उन धर्म नियमों को स्वीकार करना चाहिए जो उसकी जीविका तथा ख्याति में बाधक न हो ग्रस्त को केवल उन धर्म नियमों का पालन करना चाहिए स्वीकार करना चाहिए जो उसकी जीविका में या ख्याति में बाधक नहीं हो ऐसा कोई धर्म नियम नहीं पालन कर लेना चाहिए जिससे उसकी ख्याति समाप्त हो जाए या जिससे उसका आ, आजीविका आज जीविका का साधन समाप्त हो जाए ऐसा कोई नियम पालन करना नहीं चाहिए ये कौन बोल रहे हैं बलि महाराज मैं गुरुदेव आपकी बात से सहमत हूं परंतु मैं केवल लोभवश एक ब्राह्मण को दिए गए अपने वचन को कैसे तोड़ सकता हूं तो इसका मतलब ऑलरेडी वो वचन दे चुके हैं एक बार इशारा करो ऑलरेडी वचन दे चुके हैं जल हाथ में ग्रहण करके उन्होंने वचन दे दिया कहानी यहाँ पर है कहानी रूप में है ना तो थोड़ा सा कैसा है छोटा है कि बड़ा है कहानी रूप में यहाँ बता रहे तो थोड़ा छोटा है कि बड़ा है छोटा है बहुत सारी वार्तालाप होती है बलि महाराज और वामन भगवान के बीच में और बाद में कि मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं कि तुम मुझे दान दे रहे हो ये सब बातें होती है तब बलि महाराज जो हाथ में जल ग्रहण करते हैं ठीक है मनन चिंतन करने के पश्चात बली महाराज ने शुक्राचार्य से कहा गुरुदेव मैं आपके कथनों से पूरी तरह सहमत हूं इसमें दो राय नहीं कि ग्रस्त को केवल उन धर्म नियमों को स्वीकार करना चाहिए अर्थात पालन करना चाहिए जो उसकी जीविका तथा ख्याति में बाधक न हो परंतु मैं केवल लोभवश एक ब्राह्मण को दिए गए अपने वचन को कैसे तोड़ सकता हूं क्या मेरा यह व्यवहार छल नहीं होगा तो मैं ऑलरेडी उस ब्राह्मण को वचन दे चुका हूं तीन पक भूमिका तो मैं अब उसको तोड़ना नहीं चाहता अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो क्या होगा छल होगा बोल तो दिया लेकिन दिया नहीं झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं ये सब बातें क्यों बोल रहे हैं बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें क्यों बोल रहे हैं बोली महाराज बोलो बोलो क्योंकि वो अपने गुरु की बात नहीं मान रहे यस उनको अपने गुरु को तिरस्कार करना है तिरस्कार करना तो सीधा तो नहीं बोल सकते एक तरफ बोल हाँ गुरु जी आप कह रहे हैं वो सही बात है लेकिन बोल रहे झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है और आप मुझे क्या कह रहे हैं झूठ में लग जाओ झूठ बोल दो इसलिए एक समय धरती माता ने कहा था मैं अपने शरीर पर भारी से भारी बोझ ढो सकती हूं परंतु एक झूठे व्यक्ति का नहीं झूठे व्यक्ति का बोझ अपने इस शरीर पर पृथ्वी माता कह रही है मैं उसको नहीं ढो सकती हूँ बाकी भारी से भारी बोझ ढो सकती हूं। मुझे नरक निर्धनता समस्याओं के सागर अपने पद से पथन अथवा अथवा स्वयं मृत्यु का भय नहीं है मैं केवल किसी ब्राह्मण को धोखा देने से भयभीत हूँ क्योंकि हमारे पास जो भी संपत्ति है वह आज नहीं तो कल हमारे पास से चली ही जाएगी फिर क्यों ना हम आज उस संपत्ति को उस ब्राह्मण को दान करें उसे पूरी तरह दान देकर उसे पूरी तरह संतुष्ट न करें पूरी तरह दान देके संतुष्ट क्यों ना करें उसको हम संतुष्ट करेंगे तीन पग धरती मांगी तीन पग धरती दे देते तो उन्होंने धरती माता का भी उदाहरण दिया और अपनी बात को प्रस्तुत किया किसके सामने चुक्रा अपने गुरु के सामने सभी लोग इशारा इशार कर दो इशारा कर दो माइक बंद रखो माइक बंद रखो इशारा कर दो अपने गुरु के सामने उन्होंने ये बात रखी ददीछी शिबी और अन्य अनेक महापुरुषों ने दूसरों के कल्याणार्थ अपने शरीर की बलि देने में संकोच नहीं किया बलि महाराज ददीची महाराज ने अपनी सारी हड्डियां दे दी थी शिवी महाराज क्या देना जा, क्या दे रहे थे अपना मांस काट अपने शरीर का अंग काट काट के देना चाह रहे थे एक पक्षी के लिए फिर मैं इस छोटी सी भूमि देने में संकोच क्यों करूं चूंकि काल के प्रभाव से एक न एक दिन मेरी सारी संपत्ति मुझसे छिन जाएगी तो क्यों ना उसे दान करके मैं ऐसी ख्याति प्राप्त करूं जो मेरी मृत्यु के पश्चात भी अमर रहेगी क्या बात बोली आपको एक बात बताऊं मैं भी ऐसा दानदाता ढूंढ रहा हूं <laughs> जो ये कह दे कि सब कुछ भगवान का है और भगवान को देने में क्या प्रॉब्लम है और ये वाली ख्याति तो इस जीवन तक रहेगी और अगर मैं ये दान दे दूंगा और ये वाली ख्याति तो पूरा जन्म जन्म तक रहेगी मुझे नरक निर्धनता समस्याओं के सागर अनेक पद से पथन अथवा मृत्यु का भय नहीं है मैं केवल किसी ब्राह्मण को धोखा देने से भयभीत हूं पहला क्योंकि मेरे पास जो भी संपत्ति है वह आज दान आज नहीं तो कल मेरे पास से चली जाएगी फिर क्यों हम आज उस संपत्ति को इस ब्राह्मण को दान करके उसे पूरी तरह संतुष्ट कर दें पहले भी यही बोला पिछले श्लोक अभी जो बोला उसमें, अभी जो मैंने और अगले में भी यही बोला फिर मैं इस छोटी सी भूमि देने में संकोच क्यों करूं चूंकि काल के प्रभाव से एक न एक दिन फिर वही बात आ गई पिछले श्लोक में बोले पिछले वाले पैराग्राफ में एक न एक दिन काल के प्रभाव से मेरी सारी संपत्ति मुझसे छीन जाएगी तो क्यों ना उसे दान करके मैं ऐसी ख्याति प्राप्त करूं जो मेरी मृत्यु के पश्चात भी अमर रहेगी और अमर है आज भी हम बलि महाराज को याद करते बलि महाराज ने ऐसा सोचा आ, अच्छा एक बात बताओ ये चार पत्नियों में से कोई पत्नी है क्या हमने जो कहानी समझी थी उसके अनुसार कौन सी पत्नी है ये धन संपत्ति कौन सी पत्नी है दूसरी पत्नी है और इस जन्म के बाद मृत्यु के बाद ये दूसरी पत्नी क्या करेगी बोलो 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 किसी और के दूसरी शादी ले कर लेगी भूल गए आप तो सबसे पूरा स्टाइल करके जाती है ना दूसरी शादी कर लो अर्थात वो किसी और की हो जाएगी तो मृत्यु से पहले मैं अगर दान कर देता हूं तो मेरा नाम रहेगा मेरी ख्याति अमर रहेगी। इस प्रकार से बलि गोद में सुलाया है परंतु ऐसा कौन है जिसे अपना सर्वस्व भगवान विष्णु के चरण कमलों में समर्पित करने का दुर्लभ अवसर मिला हो चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस ब्राह्मण को इसकी मनोवांछित वस्तु देकर ही रहूंगा तीन पग भूमि में इसको दूंगा ही दूंगा अः उसको मैं थोड़ा सा इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहूंगा कि युद्ध भूमि में जो है एक सैनिक जो है अपना पूरा जीवन न्योछावर कर देता है ये मौका किसको मिलेगा कि वो सर्वस्व अपना जो है भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दे ऐसा दुर्लभ अवसर अच्छा एक बात बताओ जीते तो भगवान भगवान रूप में आते हैं मृत्यु के समय किस रूप में आते हैं भगवान उत्तर आ गया मेरे प्रश्न में यस बोल रहा <laughs> प्रश्न में उत्तर था तो मृत्यु के समय भगवान मृत्यु के रूप में आते और वो हमारे से सब कुछ छीन के ले जाते है बट उस छीन के ले जाए हुए को समर्पण नहीं कहते ये आज अभी भी मुझे रिलाइज हुआ तो इसलिए क्या करना है छीन करके तो भगवान वायका से भी ले लेंगे तो मैं क्या करना है जीते जी इसको भगवान को अर्पण कर देना है जीते जी इसको भगवान को अर्पण कर देना कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि प्रभु पाजी ने भगवद्दगीता में बोला है भगवदगीता में व्यक्ति को अपना पचास प्रतिशत समर्पित कर देना चाहिए पर अगर जीते जी ऐसा मौका मिले कि हम पूरी तरह से संतुष्ट होकर के अपना सर्वस्व हम भगवान के चरणों में अर्पण कर दें तो हमेशा संतुष्ट रहेंगे और जीते जी समर्पण कर दिया तो भगवान उसको स्वीकार भी करेंगे और भगवान उसे प्रसन्न होंगे ठीक है तो लास्ट में उन्होंने बोल दिया बलि महाराज ने चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस ब्राह्मण को इसकी मनोवांछित वस्तु देकर ही रहूंगा ठीक है ब्राह्मण की मनोवांछित वस्तु क्या थी अचला राम जी ब्राह्मण की मनोवांचित वस्तु क्या थी अचला राम जी यस बोलो 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 जल्दी से बोलो सब आ, पूरी थी ब्राह्मण की मनोवांचित वस्तु क्या थी ब्राह्मण ने क्या मांगा था ब्राह्मण ने तो वो इसका ये तीन पग भूमि मांगा था अः सभाष तीन पग भूमि मांगी थी तो बोले उस ब्राह्मण की मनोवांछित वस्तु में देखे रहूंगा ठीक है नेक्स्ट हे ऋषि श्रेष्ठ आप जैसे संत पुरुष सदैव भगवान विष्णु के भजन में रथ रहते हैं इसलिए चाहे भगवान विष्णु यहां मुझे आशीर्वाद देने आए हैं अथवा एक शत्रु की भांति दंडित करने मैं निःसकोच उनकी आज्ञा का पालन करके उन्हें इच्छित भूमि दूंगा सा श्लोक याद आ रहा है ये बात के कौन सा श्लोक याद आ रहा है ये बात सुनकर के कौन सा श्लोक याद आ रहा है ये बात सुन कर गए पिनुष्टमा अदर्शनान मर्महताम करो तो अर्थात हे भगवान या तो मुझे अपने पैरों तले क्या कर दो रौंद दो मुझे दर्शन नहीं दे करके हाँ अदर्शनान मर्महताम आप मुझे मेरे आंखों के सामने मुझे दर्शन नहीं दे करके मुझे आलिंगन नहीं करके आश्लिष्य पिनष्ट पिनस्ट कर दो दोन अदर्शनान मर्मता और मुझे पूरी तरह से ऐसा क्या कह सकते हैं आघात हुआ छोड़ दो यथा तथा वा विद धातु लंपटो मत प्राण नातस्तु स म... ए यथा तथा वा विद धातु लंबटो मत प्राण नातु स अथ आश्लिष्य वा पादर्शनां नष्टिमां आदर्शनां मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विद धातु मत प्राण नातस्तु सैव ना पर लेकिन मेरे प्राण नाथ तो आप ही रहेंगे कौन बोल रहे है चेतन महाप्रु अगर कोई पूछे ना प्रेम की आयशपरी परिभाषा क्या है शिक्षा का आखिरी श्लोक है बोले आप दर्शन नहीं दे करके मुझे पिनष्ट कर दो मुझे हता, हतो, हतो, कर दो दुखी कर दो लेकिन आप तो हमेशा हमेशा मेरे प्राणनाथ आप ही बनो रहोगे जो लंपट हो जो कि इस प्रकार से थोड़ा सा लंपट का थोड़ा सा छेड़ने का कार्य वगैरह करते हो वो ही वो भगवान ही आप ही मेरे प्राणनाथ रहोगे ऐसे बलि महाराज देखो कितनी बड़ी भक्ति है बलि महाराज असुरकुल में पैदा हुए क्या बोल रहे हैं आप जैसे संत पुरुष सदैव भगवान विष्णु के भजन में रत रहते हैं इसलिए चाहे भगवान विष्णु यहाँ मुझे आशीर्वाद देने आए मतलब कि प्रकट हो जाए अथवा आए हैं अथवा एक शत्रु की भांति दंडित करने के लिए या मुझे क्या कर दे पिनष्टु इशारा करो इधर देखो पिनष्टु पिनष्ट कर दे दंडित करने में मैं निशंकोच उनकी आज्ञा का पालन करके उन्हें इच्छित भूमि दूंगा मैं मेरा अर्पण करूंगा उतना उस लेवल का तो नहीं कंपेयर कर सकते लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंपेयर कर सकते थोड़ा सा कि जब गोपियों से नारद मुनि मांगने के लिए आए कि भगवान कृष्ण का क्या हो रहा है इशारा करो सिर दर्द कर रहा है थोड़ा अपने चरणों की धूली दे दो गोपियों के हाथ में जो कुछ था उन्होंने छोड़ दिया तुरंत भर भर के लो नारद मुनि ले जाओ रुको 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 अभी अभी मैं ब्राह्मणों से पूछ के आया था उन्होंने बताया शास्त्र पढ़ करके कि अगर हमारे चरणों की धूली भगवान के सिर पर पड़ेगी तो नरक में जाएंगे तो गोपिया क्या कहती है हम नरक में जाए या कहा जाए है? है अभी कृष्ण का सिर दर्द ठीक होना चाहिए तो बली महाराज भी क्या कह रहे हैं कि मैं निसंकोच उनकी आज्ञा का पालन करके उन्हें इच्छित भूमि दूंगा यदि भगवान विष्णु भयभीत होकर छद्म वेश में यहां आए हैं तो फिर वे चाहे धर्म विरुद्ध रीति से मुझे बंदी क्यों न बना ले अथवा मुझे मार भी क्यों न दे मैं उन उनका प्रतिकार नहीं करूंगा प्रणाम कर लो ऐसे भगवान के परम भक्त को बारह महाजनों में एक महाजन है बलि महाराज बारह महाजनों में एक महाजन है बलि महाराज क्या भक्ति है क्या डिवोशन है पूर्ण समर्पण सरेंडर एवरी थिंग एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड इफ यू डों दर्शनिंग नो प्रॉब्लम बट आई सरेंडर टू यू यू मे किडनेप मी स्टिल बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं कि यदि भगवान विष्णु भयभीत होकर छद्म में यहां आए हैं तो फिर वे चाहे धर्म विरुद्ध नीति से मुझे बंदी क्यों ना बना ले अथवा मुझे मार भी क्यों ना दे मैं उनका प्रतिकार नहीं करूंगा परंतु मुझे लगता है कि भगवान विष्णु इस छल का सहारा लेकर अपने यश पर कलंक नहीं लगाएंगे वारे बलि महाराज वाह आपने भी बढ़िया बढ़िया बात की या तो मेरे द्वारा मारे जाकर वे युद्ध भूमि में सो जाएंगे अथवा मेरा वध कर देंगे ऐसे वो ढोंगी का रूप लेकर के नहीं आएंगे और वो मेरे से छल नहीं करेंगे और ऐसा छल करके अपनी ख्याति को वो पानी में मिट्टी में नहीं मिलाएंगे या तो वो युद्ध भूमि मेरे से लड़ाई करेंगे या तो मेरे द्वारा मारे जाएंगे या मेरा वध कर देंगे बली महाराज कह रहे अक्सर सांसारिक लोग शुक्राचार्य द्वारा दिए गए तर्कों का सहारा लेते हुए कि मनुष्य को धर्म के केवल उन सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए जिससे आर्थिक विकास और शारीरिक भोग विलास में बाधा ना आए सच्चाई तो यह है कि शुक्राचार्य बलि महाराज की भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे थे उस बाधा को पार करने के लिए बलि महाराज ने निश्चय किया कि वे शुक्राचार्य का त्याग करके अपना सर्वस्व तुरंत वामन देव को दे देंगे बहुत 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 सुंदर बात कही है कि सामान्यतया लोग किसका सहारा लेते हैं शुक्राचार्य जैसी बातों का शुक्राचार्य जी के सिद्धांतों का वो सिद्धांत क्या कहते हैं कि देखो तुम्हारी ख्याति नष्ट होती हो तुम्हारी आजीविका नष्ट होती हो ऐसा दान नहीं करना चाहिए ऐसी पूजा पाठ ऐसी अर्चना नहीं करनी चाहिए कैसी पूजा अर्चना करनी चाहिए बोलो बोलो कैसे करनी चाहिए तुम्हारी ख्याति बढ़े एक ही श्लोक दोहरा दिया करो भाई धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का धन संपत्ति घर आवे ऐसी पूजा करो शुक्राचार्य जी कष्ट मिटे तन का ऐसी पूजा करो ये सब कुछ समर्पण करने वाली पूजा नहीं है जहां पर भी समर्पण आता है ना बहुत सारे लोग रुक जाते एक कदम आगे ले लेते नहीं समर्पण नहीं, नहीं समर्पण नहीं, नहीं देना नहीं कुछ नहीं मुश्किल होता है नेक्स्ट हरे कृष्णा तुलसी कुमारी सिंह जी माइक बंद कर दीजिए ठीक है बलि महाराज के हृदय में भक्ति का यह बीज उनके दादा प्रहलाद महाराज ने बोया था और जब उससे उगे वृक्ष पर फल लगे फल लगने लगे तो बलि इतने शुद्ध हो गए कि स्वयं भगवान कृपावश उनके समक्ष प्रकट हो गए प्रहलाद महाराज की कृपा से भगवत प्रेम के चरम लक्ष्य को प्राप्त होने के कारण बलि महाराज ने तुरंत निर्णय लिया यह बोना ब्राह्मण तो भी जो भी मांगेगा मैं उसे दूंगा यहां पर एक लाइन लिखी अंडरलाइन कर लो प्रहलाद महाराज की कृपा से भगवत प्रेम के चरम लक्ष्य को प्राप्त होने के कारण इस लाइन को हमारे लिए कैसे बोलेंगे श्रीला प्रभुपाद महाराज की कृपा से भगवत प्रेम के चरम लक्ष्य तो नहीं बोलूंगा भगवत प्रेम के लक्ष्य को प्राप्त होने के कारण तो हम लोगों को किसकी कृपा प्राप्त हुई है प्रभुपाद जी की प्रभुपाद इसलिए मैंने निर्णय लिया क्या निर्णय लिया कि जो प्रभुपाद जी कहेंगे मैं उनकी सेवा करूंगा मैं उनको समर्पण करूंगा मैं उनकी भक्ति करूंगा ये निर्णय क्यों लिया हमने आपने सबने क्यों निर्णय लिया क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमें क्या दिया है भगवत प्रेम मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कभी कभी कंपेयर किया करो आपके पड़ोसी आपके फ्रेंड आपके किसी के कोई गुरु जी है किसी के कुछ कोई गुरु जी है आ? ऐसे प्रमाणिक गुरु किसी को प्राप्त है क्या बोलो नहीं गुरु पूर्णिमा आई थी आपने देखा होगा किसी ना किसी आपने देखा ही होगा क्या हुआ था आजकल कथावाचक गुरु बन गए भाई आप कथावाचक हो ठीक है गुरु एक कथावाचक हो सकता है पर कथावाचक एक गुरु हो ये जरूरी नहीं तो बहुत बहुत समझने की आवश्यकता है या बहुत ही सुंदर बात कही अपने दादा बली महाराज के पिता विरोचन और उनके पिता प्रहलाद बोले प्रहलाद से उनको भक्ति का बीज मिला था और प्रहलाद महाराज की कृपा से भगवत प्रेम के चरम लक्ष्य को प्राप्त होने के कारण बलि निर्णय लिया बोना जो भी मांगेगा यह प्रेम का लक्षण है एक और बली महाराज अपना सर्वस्व ब्राह्मण को देने के लिए कटिबद्ध थे तो दूसरी और वे जानते थे किस कार्य से शुक्राचार्य एवं अन्य असुरों के हृदय को ठेस पहुंचेगी अगर मैं ऐसा करूंगा तो शुक्राचार्य आदि लोगों के हृदय में क्या पहुंचेगी ठेस पहुंचेगी इसलिए वे द्विर्थी बातें बोल रहे थे वास्तव में यदि भगवान विष्णु बलि महाराज के समक्ष आकर तीनों लोगों का राज्य मांगते तो निश्चित ही बलि महाराज उन्हें मना नहीं करते अर्थात सीधे सीधे आकर भी मांगते हैं ना हे बलि ये तुम क्या राज्यवाज्य लेकर के बैठे वो दे दो देवताओं को करने दो उपयोग में तो बलि महाराज क्या करते दे देते सब कुछ समर्पण कर देते वास्तव में यदि भगवान विष्णु बलि महाराज के समक्ष आकर तीनों लोगों का राज्य मांगते तो निश्चित ही बलि महाराज उन्हें मना नहीं करते केवल अपने भक्त के साथ थोड़ा उपहास करने के लिए भगवान ने बोने ब्राह्मण का यह वेश धारण किया और बलि महाराज से तीन पग भूमि मांगी बलि ने इस दृढ़ निश्चय को बलि के इस दृढ़ निश्चय को देखकर शुक्राचार्य विशुद्ध हो गए भगवत प्रेरणा से उन्होंने बलि महाराज को शाप देते हुए कहा बलि तू ज्ञान एवं विवेकहीन है परंतु फिर भी तू स्वयं को बड़ा विद्वान समझता है तेरा इतना साहस कि तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया शीघ्र ही तू अपने समस्त ऐश्वर्य से विहीन हो जाएगा कोई बात नहीं शुक्राचार्य जी आपका साफ अच्छा है क्योंकि वैसे भी भी होने वाला था मैं दोनों बराबर हो गया तो और सारा ऐश्वर्य लेने के लिए कौन आ रहे हैं स्वयं भगवान आ रहे हैं तो शुक्राचार्य जी ने क्रोध करके बलि महाराज को श्राप दिया कि बलि तू ज्ञान एवं विवेक से विवेकहीन है परंतु तो फिर भी तुम स्वयं को बड़ा विद्वान समझता है तेरा इतना साहस कि तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया शीघ्र ही तू अपने समस्त ऐश्वर्य से विहीन हो जाएगा तुम्हारा सारा ऐश्वर्य समाप्त हो जाएगा गुरु द्वारा दिए दिए गए दिये जाने पर भी बलि महाराज अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुए क्या था उनका दृढ़ निश्चय रिमा पटेल जी बलि महाराज का दृढ़ निश्चय क्या था कृष्ण He never deviated from his determination. हाँ वो दृढ़ निश्चय डिटर्मिनेशन क्या था कि उसको देना है yes. दृढ़ निश्चय था उसको दान देना है। अच्छा दूसरों की बात नहीं करते हम हम दूसरों का तो हम सब लोगों को याद रहता है कि उसने ऐसा बोला था देने के लिए दिया ही नहीं हम अपनी खुद की बात करें ना खुद की बात जीवन में कई बार ऐसा हुआ है दान छोड़ो किसी ने कुछ मांगा था हमने बोला हाँ दे दूंगा ले लेना कभी भी लेना फिर धीरे धीरे अरे नहीं मैं परसों दे दूंगा पक्का दे दूंगा सामने से आके दे दूंगा और धीरे धीरे जब आपको लगता है कि मांग नहीं रहा है शायद अब उसको इच्छा नहीं होगी शायद उसको अब नहीं चाहिए तो हम क्या करते फिर थोड़ा सा चलेगा अब सामने से जाने की जरूरत नहीं है नहीं मांग रहा तो क्या करना है कितने लोगों के साथ में हुआ मेरा हुआ कई बार मैं इसलिए दोनों हाथ ऊपर कर रहा हूं किसी को कुछ बोला और फिर मैंने किसी को दोस्त को भी कुछ बोला और फिर लगा कि यार नहीं मांग रहा है तो ठीक है या भूल गया लगता है <laughs> तो हम छोड़ देते या मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हनुमान जी के मंदिर गए थे और बोला था हनुमान जी इक्कीस रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा उस दिन जब मैं देखा एक रुपया ही था एक रुपया चढ़ा दिया और उसके बाद बोले बाद में जब भी आऊंगा ना तो बाद में बीस अलग से चढ़ा दूंगा पक्का मैं चढ़ा दूंगा जी पक्का चढ़ा दूंगा लेकिन हुआ ये कि धीरे धीरे भूल गए ठीक है जी, कहां है जी जरूरत यार एक भी एक किसी है उनके लिए गुरु द्वारा साप दिए जाने के पर भी बलि महाराज अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुए रीति अनुसार उन्होंने सर्वप्रथम भगवान वामन को जल अर्पित किया और फिर अपने वचन का पालन करते हुए उन्हें तीन पग भूमि दी बलि महाराज की धर्मपत्नी विंध्यावली जल से भरा एक स्वर्णिम पात्र ले आई और बलि बलि ने उससे भगवान के चरण कमल धोकर चरणामृत को अपने सिर पर धारण किया पहले भी किया था और दोबारा कर रहे हैं अब कब जब दान दे दिया फिर से प्रणाम कर रहे हैं आ, थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे हरे कृष्णा एक होता है दान एक होता है दया दया गरीब व्यक्ति पर की जाती है सॉरी दान मैं शायद ठीक बोल रहा हूं कहीं गलत हो तो बता देना दया जो है अपने से गरीब व्यक्ति पर की जाती है और दान जो है हमारे से कोई स्वीकारता है तो हमारे को आशीर्वाद देता है कृपा करता है और वो किनको दिया जाता है ब्राह्मण आदि को जो अनुकूल वैष्णव है ब्राह्मण है उनको दिया जाता है उसको बोलते हैं दान दाल, दान जो है अगर कोई हमारे से स्वीकार करता है तो हमारे ऊपर कृपा है कई बार लोग दान और दया को एक ही समझ लेते हैं और फिर क्या कहते हैं इनको क्या जरूरत है इनको क्या जरूरत है इनके पास बहुत है खूब मांगते रहते हैं खुद मिलता रहता है इनको दान अलग है दया अलग हम्म बली महाराज का अः बली महाराज ने बली महाराज के निष्कपट और सरल व्यवहार को देखकर देवतागण प्रसन्न हृदय से उनके ऊपर कोटी कोटि पुष्पों की वर्षा कर रहे थे हजारों गंधर्व बिगुल और ढोल बजाते हुए घोषणा करने लगे बली महाराज का यह यश तो देखो वे कितने महान हैं उन्होंने कितना दुष्कर कार्य कर दिखाया है यद्यपि वे जानते थे कि भगवान विष्णु उनके शत्रुओं का पक्ष लेकर आए हैं फिर भी उन्होंने दान स्वरूप में उन्हें तीनों लोक दे दिए तीन भक्त तीन भक्त भूमि क्या तीनों लोक दे दिए एक तरह से बलि महाराज को मालूम हो गया गुरु की वजह से कि ये स्वयं भगवान है भगवान वामन अपने रूप का विस्तार करने लगे और शीघ्र ही संपूर्ण ब्रह्मांड उनके शरीर के भीतर समा गया देख रहा था उस रूप में समस्त स्थूल एवं सूक्ष्म तत्वों इंद्रियों इंद्रिय विषयों तथा साथ ही समस्त ग्रह मंडलों एवं जीवात्माओं का समावेश था कृपया दर्शन कराइए ये वाले दर्शन कराइए कृपया करके जब जो बालक रूप में वामन रूप में ब्राह्मण आए थे जो अपना विस्तार करने लगे हरे कृष्णा ठीक है हम आगे बढ़ते हैं जब तक डिस्प्ले नहीं होता बलि महाराज का यश जो है बहुत फैल चुका है गंधर्व गण देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं ढोल बिगुल आए हैं फिर भी उन्होंने दान स्वरूप में उन्हें तीनों लोग दे दिए हैं वामन भगवान अपने रूप का विस्तार करने लगे और शीघ्र ही संपूर्ण ब्रह्मांड उनके शरीर के भीतर समा गया बली महाराज और उस यज्ञ स्थल में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति भगवान के विश्व रूप को देख रहा था उस रूप में समस्त स्थूल एवं सूक्ष्म तत्वों इंद्रियों विषयों तथा साथ ही समस्त ग्रह मंडलों एवं जीवात्माओं का समावेश था ठीक है ये भगवान ने अपने रूप का विस्तार किया देखिए स्क्रीन पे ये रूप पहले जो दिखाया वो था वो ठीक था हरे कृष्ण यस तो ये जो रूप है इसमें कह रहे हैं कि आ, समस्त ग्रह मंडलों सूक्ष्म इंद्रिय विषयों का साथ ही और जीवात्माओं का सब कुछ समावेश है आ, ये रूप के अंदर कह सकते हैं एक ओरिजिनल रूप जो भगवान का भी दिखाया गया था वो रूप जो है आ, वो रूप दिख रहा है भोले महाराज को और उसके अंदर सब कुछ समावेश है ऐसे करके वो हम देख पा रहे हैं और यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है ऐसे ही में कांजीपुरम में है सेम हाँ ऐसे बहुत इस विशाल रूप में है भगवान विशाल रूप में ऐसे है ठीक है आगे बढ़ते हैं वामन रूप अपने रूप का विस्तार करने लगे और शीघ्र ही संपूर्ण ब्रह्मांड उनके शरीर के भीतर समा गया बलि महाराज और उस यज्ञ स्थल में प्रत्य। उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति भगवान के उस विश्व रूप को देख रहा था ये जो चतुर्भुज या याषण रूप प्रस्तुत किया था ना ये वाला रूप है ये वाला रूप है उस रूप में समस्त स्थूल एवं सूक्ष्म तत्वों इंद्रियो इंद्रिय विषय तथा साथ ही समस्त ग्रह मंडलों एवं जीवात्माओं का समावेश है तो पहले ये रूप में भगवान प्रकट हुए जो आप देख रहे हैं आपके सामने देख लीजिए इस रूप में सारे ब्रह्मांड सारे इंद्रिया समस्त इंद्रिय विषय समस्त सूक्ष्म तत्व समस्त समस्त जीवात्माएं ग्रह मंडल सब इस रूप के अंदर उपस्थित हैं बलि महाराज ने देखा कि भगवान के चरण कमल पृथ्वी पर टिके हैं देख पा रहे हैं आप इसी रूप को देखिए भगवान के चरण कमल पृथ्वी पर टिके हैं और उन चरणों के तलवों पर समस्त निम्न लोक स्थित हैं चरणों के तलवों पर अर्थात और नीचे की तरफ होगा आ, समस्त लोक स्थित हैं भगवान की पिंडलियों पर पर्वत स्थित हैं दिखाए गए पर्वत उनके घुटनों पर विविध पक्षी ये भी पक्षी भी उड़ रहे हैं और उनकी जंगाओं पर वायु स्थित थी जंगाओं पर वायु है आवाज थोड़ी सी दिखा रखी है भगवान के वस्त्रों के नीचे संध्या कालीन प्रकाश की चौद थी और उनके प्रजनन अंगों पर प्रजापति स्थित थे बलि महाराज ने स्वयं एवं अपने अनुयायियों को सातों समुद्रों के साथ भगवान के कटी प्रदेश पर स्थित देखा देख सकते हैं आप सातों समुद्र जैसे बनाए हुए हैं अपने आप को और अपने अनुयायियों को कटी प्रदेश ये कमर का जो स्थान है वहां पर स्थित देखा भगवान की नाभि पर उन्होंने आकाश और भगवान के वक्ष स्थल पर उन्होंने सितारों को देखा भगवान की नाभि पर आकाश और भगवान के वक्ष स्थल पर सितारों को देखा ये जो रूप है इसी के अंदर ये वाला रूप है हम्म बलि महाराज ने भगवान के हृदय में धर्म को उनकी छाती पर मधुर वचनों एवं सत्य को तथा उनके मन में चंद्रमा को देखा भगवान के वक्त स्थल पर श्रीमती लक्ष्मी देवी भी थी लक्ष्मी देवी भी विराजमान थी विमला सिन्हा माता जी माइक बंद कर दीजिए और उनकी गर्दन पर समस्त वेद थे देख सकते हैं आप यहाँ कुछ थोड़ा वर्णन किया गया है। गर्दन पर वेद थे, देवराज इंद्र सहित समस्त देवगण उनकी भुजाओं पर स्थित थे और दिशाओं और दिशाएं उनके कानों पर थी उनके सिर पर ऊपर के लोक थे, उनके बालों पर बादल उनके नाथनों में वायु आंखों में सूर्य तथा मुख में अग्नि स्थित थी देख रहे हैं मुख में अग्नि और क्या बोला गया है आ, उनके सिर के ऊपर उनके सिर पर ऊपर के लोग थे उनके बालों पर बादल उनके नथनों में वायु नाखों में आंखों में सूर्य तथा मुख में अग्नि स्थित थी उनके शब्द से वैदिक मंत्रों की उत्पत्ति हुई और उनकी जीवा पर वरुण देव थे जीवा पर वरुण देव थे भगवान के विश्व रूप की भ्रकुटियों पर यम नियम थे भगवान विश्व रूप की ब्रकुटियों पर यम नियम थे पर जो यम नियम थे और उनके पलकों पर दिन रात स्थित थे क्रोध उनके मस्तक पर था द्वेष उनके होठों पर कामों की उनके स्पर्श में और जल उनके वीर में स्थित था उनकी पीठ पर अधर्म और उनके कार्यों में अग्नि यज्ञ स्थित था भगवान के शरीर पर उगे बालों में समस्त औषधियों तथा जड़ी बूटियां थी समस्त औषधियां तथा जड़ी बूटियां थी उनकी मुस्कान उनकी मुस्कान में माया शक्ति तथा परछाई में मृत्यु थी उनकी मुस्कान में माया शक्ति और मृत्यु में परचाई में मृत्यु थी उनकी नाड़ियों में सारी नदियां उनकी नाड़ियों में सारी नदियाँ उनके नाथुनों उनके नाखुनों में सारे रत्न जो ना, नाखून है हाथ के उनकी बुद्धि में ब्रह्मा जी अन्य देवगण तथा महर्षिगण और उनकी संपूर्ण देह में समस्त चराचर प्राणी स्थित थे जब असुरों ने भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र देखा और उनके धनुष की तुमुल टंकार सुनी तो उनके हृदय शोक से विदीर्ण हो उठे विश्व रूप की स्तुति विश्व रूप की स्तुति करने के लिए भगवान के निज निजदों सहित पांच जन शंख गदा कौमुदी नामक तलवार सैकड़ों चंद्र सैकड़ों चंद्र चिन्हों से अंकित ढाल तथा अक्षय तथा अक्षय सहायक नामक सर्वोत्तम तरकश ये सब एक साथ प्रकट हुए तत्प्रशात भगवान वामन देव ने अपना दूसरा पग भर कर समस्त स्वर्ग लोकों को नाप लिया वास्तव में उन्होंने अपने चरण कमलों को इतना ऊपर उठाया कि वह महरलोक जन लोक तपलोक और सत्यलोक इन सब को पार करके कर ब्रह्मांड की सीमा तक पहुंच इन सब को पार करके ब्रह्मांड की सीमा ब्रह्मांड की परत में छिद्र हो गया और उसमें से कारण सागर का जल इस ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करने लगा वही जल पतित पावनी गंगा बना समझ में आया आपको रविंद्र माता जी गंगा कौन बना कारण yes, सागर का, का जल गंगा कौन बना में उन्होंने अपने चरण कमल को इतना ऊपर उठाया कि वह महरलोक जनलोक तपलोक और सत्यलोक इन सब को पार करके ब्रह्मांड की सीमा तक चला गया और तीसरा पग रखने का कोई स्थान नहीं बचा उस दौरान भगवान के चरण कमल उस दौरान भगवान के चरण कमल के अंगूठे से ब्रह्मांड की परत में छिद्र हो गया और उसमें से कारण सागर का जल इस ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करना लगा वही जल पतित पावनी गंगा बना इसलिए क्या बोलते हैं चरण से निकली गंगा प्यारे इन चरणन में शीशन वाओ जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में शीशनो तो ये दर्शन कर लिया आपने देख पा रहे हैं बहुत सुंदर दर्शन वाह बहुत भले ने ब्रह्मांड की दीवार को तोड़ दिया था कि पृथ्वी की, की दीवार को ब्रह्मांड के प्रभु ब्रह्मांड की दीवार को तोड़ दिया था याद रखना ये और ब्रह्मांड के बाहर का पानी था वो अंदर की तरफ आने लगा और भगवान के चरणों को धो के आ रहा था तो इस फोटो में देख सकते हैं जो जो जल आ रहा है उसमें गंगा मैया दर्शन कराए समझ में आया कि उनके चरणों से जो जल निकला वो जो है क्या बन गया गंगा मैया बन गया बन जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान वामन तो देव प्रभु जी तर... ये विश्व रूप जो लिखाया कि उन्होंने विश्व रूप दिखाया तो ये और विराट रूप सेम है क्या अलग अलग समय अलग अलग यहाँ विश्व रूप से अर्थ है बहुत विशाल रूप बड़ा रूप हा? हमारे लिए विश्व क्या है कहने के लिए कहे तो ये ब्रह्मांड है तो इसे ब्रह्मांड जितना बड़ा रूप लिया इस कारण से कह रहे विश्व रूप इसको ये नहीं कह सकते कि यही विराट रूप है यही विश्व रूप है आ, आ, अलग अलग जगह पर अलग अलग भगवान ने विश्व रूप का या विराट रूप का दर्शन दिया है जैसा कि हाँ दुर्योधन को भगवान ने दर्शन दिया था विश्व रूप का यशोदा मैया को भगवान ने विश्वरूप का दर्शन दिया था और अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन दिया था और भी दूसरे स्कंद में हमने फिर से पढ़ा था दूसरे स्कंद में भी पढ़ा था विश्व रूप के दर्शन का और अभी हम किसका पढ़ रहे हैं भगवान के विश्व रूप का दर्शन किसको दिया भगवान ने विश्वरूप का दर्शन महाराज का जो ये बातें बताई गई है कि उनके अंदर सबको समाविष्ट था नदिया थी और सारी कह सकते हैं धन संपत्ति थी और जो भी कोई बादल और ये सब कुछ कह रहे हैं। वो बात ठीक है बराबर ये सब पूरे ब्रह्मांड को अगर हम भगवान ले तो इस प्रकार से ये ये सब चीजें स्थित है लेकिन यहाँ तो भगवान स्वयं अपने द्विभुज रूप में आए ना और उन्होंने अपने वामन रूप में फिर पूरे ब्रह्मांड को नापा और उससे जो है पथित पाव गंगा प्रकट हुई जब ब्रह्मा जी ने देखा भगवान वामन देव के चरण कमल के नाखून की आवाज से उनके धाम ब्रह्मलोक के तेज को क्षीण कर दिया है उनके धाम के तेज को क्षीण कर दिया है तो वे ऋषि महर्षि सहित भगवान के पास गए भगवान ने उन भगवान के उठे हुए तेजस्वी चरण के सामने ब्रह्मा जी अत्यंत तुच्छ प्रतीत हो रहे थे और भगवान की पूजा करने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम भगवान के चरण कमल पर अर्ध जल अर्पित किया भगवान वामन के चरण कमलों को धोने के लिए ब्रह्मा जी के कमंडलों से निकला जल कारण सागर के जल में मिल गया और इस प्रकार वह गंगा सॉरी इस प्रकार वह धारा गंगा के नाम से विख्यात हुई ठीक है यहीं तक करें कि आगे भी कर ले आगे वाला पैराग्राफ। करें प्रभु। क्या बताइए भगवान के नाखुन से गंगा प्रकट हो गई। और उसके बाद ये ब्रह्मा जी का कमंडल और वो कुछ समझ में नहीं आया प्रभु जी ब्रह्मा जी का कमंडल आगे आएगा वो कह रहे हैं हम वो क्या कह रहे हैं कमंडल का जल किस में मिला हुआ अच्छा। क्या होगा अच्छा जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान वामन देव के चरण कमल के नाखून की आभा अर्थात बहुत प्रकाश बहुत भगवान के चरण कमल की जो नाखून है वो बहुत एफलजेंट है बहुत प्रकाशमान है आभा के आभा ने उनके धाम ब्रह्मलोक के तेज को छीण कर दिया है तो वे ऋषि महर्षि भगवान के पास गए भगवान के चरण कमलों की जो आभा थी उनके नाखूनों की आभा थी उसने किसको छीन कर दिया ब्रह्मा जी के लोक के तेज को छीन कर दिया ठीक है भगवान के उठे हुए तेजस्वी चरण के सामने ब्रह्मा जी अत्यंत तुच्छ प्रतीत हो रहे थे और भगवान की पूजा करने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम भगवान के चरण कमल पर अर्ध्य अर्पित किया तत्पश्चात वामन के चरण कमलों को तत्पश्चात भगवान वामन के चरण कमलों को धोने के लिए ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी के कमंडलू से निकाला जल कारण सागर के जल में मिल गया और इस प्रकार वह धारा गंगा के नाम से विख्यात हुआ जी न्यूट हो गए न्यूट मतलब तो गंगा जी में दो पानी है प्रभु जी कारण जल का और ब्रह्मा जी के कमंडलू का कारण सागर से जो जल आ रहा है वो तो क्या कहलाया जो सीधा सीधा बोला हमने क्या बोला वो जी, गंगा जी गंगा जी ठीक है ब्रह्मा जी के कमंडलू से कह रहे हैं ब्रह्मा जी के कमंडलू से निकला जल कारण सागर के जल में मिल गया और इस प्रकार वह धारा गंगा के नाम से विख्यात हुआ क्या कहना चाहते हैं कोई भी अपने से ये इसमें कहना चाह रहे हैं प्रभु जी कि जो कारण सागर का जल था वो भगवान के चरणों से मिलके गंगा जल बन गया फिर उस जल वो भी जल में साथ था ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जब भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया तो वो जो धारा बनी वो जो धारा बनी वो गंगा की धारा के नाम से विख्यात हुई जो धारा बन पृथ्वी पे आई थी वो गंगा की धारा ब्रह्मा जी के कमंडल के जल के साथ में कारण सागर का जल मिलके भगवान के चरणों के प्रक्षालन के साथ आई धन्यवाद तो जैसे कि मुख्यतः कारण बताए जाते हैं गंगा जी के अवतरण के एक कारण तो क्या है पहला कारण कि भगवान वामन देव के नाखून से जो ब्रह्मांड की दीवार टूटी उससे जो कारण सागर का जल अंदर आया वो धोता हुआ आया तो वो जो है गंगा कहलाया दूसरा ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने चरणों भगवान के चरणों को धोने के लिए अपने कमंडलू से जल निकाला और उस जल से जब भगवान के चरण कमलों को धोया और उससे जो जल आया उस जल को गंगा धारा कहते हैं उसको भी गंगा कहा हैं तो इस प्रकार से ये दो प्रकार से इस गंगा की कहानियां हमने सुनी है बाकी इनकी धाराएं जैसे कि हम समझ सकते हैं गंगा मंदाकिनी और भागीरथी ये अलग अलग जो धाराएं हैं धाराएं बहुत सारी हैं आप में से कुछ कहना चाह रहे हैं किसका मैसेज आया हुआ एस भावना जी क्या कहना चाह रहे हो तीन तरीके ये गंगा का पानी होता है तो उसमें एक जो कैंटो के के हिसाब से उसमें एक तो वो हुआ जो अभी टोट से निकल के आया फिर दूसरा जो पिलावजल जाने की जो पिलावजल ओशन का पानी है और तीसरा जो भगवान नारायण का लिक्विड होता है जो उनका वीर्य होता है उसको भी गंगा मतलब लिक्विड विच इज कमिंग फ्रॉम तो नारायण इज आल्सो नोन एज गंगा तो ये तीन तरीके की गंगा मेंशन है एक हमने कैंटो फिफ्थ में क्लॉजल लोशन वाली पढ़ी थी और एक अभी ये बामनदेव वाली और एक लॉर्ड नारायण की कौन सा है जो अभी हमने फिफ्थ कैंटो में उसमें सब पढ़ा है ओजल कारण सागर तो यहाँ पर आप कहना चाह रहे हैं कि तीन प्रकार की धाराएं हैं तीनों को गंगा धारा कहते हैं और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में ये लिखा है धन्यवाद प्रभुपाद जी का रेफरेंस दिया तात्पर्य में से आपने कि एक तो जो है जो कारण सागर का जल भगवान के चरणों को धोता हुआ आया एक ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों से जल लिया उससे भगवान के चरण कमलों को धोया वो एक और धारा और एक जो स्वयं भगवान के शरीर से जो धारा प्रकट हो रही है वो एक गंगा धारा ठीक है इस प्रकार ये पूरा हुआ। तत्पश्चात भगवान वामन पुनः अपने बौने ब्राह्मण के रूप में आए आ, आ गए ब्रह्मा जी सहित समस्त देवगण विभिन्न सामग्रियों जैसे सुगंधित फूलों जल पाद्य अर्ध्य चंदन लेप अगुरु लेप, धूप दीप खीर खील अक्षत धान फल और कंद मूल आदि से उनकी पूजा करने के लिए वहां पहुंचे भगवान वामन देव की पूजा करते समय देवगण उनके यशस्वी कार्यों का गुणगान भी कर रहे थे और साथ ही वे नृत्य गायन करते हुए विविध वाद्य यंत्र एवं शंख बजा रहे थे देवता गण जो है भगवान ने वापस अपना छोटा रूप ले लिया और प्रसन्न होकर के ये भगवान की संतुष्टि के लिए उनका गुणगान करते हुए नृत्य कर रहे हैं वाद्य यंत्र बजा रहे शंख बजा रहे उस समय रिक्षराज, अपना बिगुल बजाते हुए वहां आए और भगवान वामन की विजय के समानार्थ एक भव्य उत्सव की घोषणा की सम्मानार्थ सॉरी उस समय रिश्राज जामवन जामवान अपना बिगुल बजाते हुए वहां आए और भगवान वामन की विजय के सम्मानार्थ एक भव्य उत्सव की घोषणा की जब बलि महाराज के अनुयायियों ने देखा कि वामन देव ने छल के द्वारा उनके स्वामी की संपूर्ण संपत्ति छीन ली है और अत्यंत अत्यंत क्रोधित क्रोधित होकर होकर वे वे तो तो चिल्लाने लगे यह वामन ब्राह्मण नहीं तो सबसे बड़ा छलिया भगवान विष्णु है ब्राह्मण के छद्म वेश में इसने अपने वास्तविक रूप को ढक लिया और ब्राह्मण और देवताओं का भला करने के लिए यहाँ आया है यजमान होने के कारण हमारे स्वामी बलि महाराज ने किसी को दंड देने का व्रत लिया हुआ है और इसी का लाभ उठाकर हमारे कट्टर शत्रु विष्णु के छल द्वारा उनका राज्य छीन लिया है बलि महाराज महारती हैं और इसलिए उन्होंने विष्णु का कोई प्रतिरोध प्रति नहीं किया परंतु उनके अनुयायी होने के नाते इस वामन देव का वध करना हमारा कर्तव्य है बलि महाराज ने तो कोई विरोध नहीं किया लेकिन वामन देव ने हमारे राजा से सब कुछ छीन लिया है तो उनके अनु बली महाराज के असुर गण साथीगण उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम इसका इस वामन देव का वध कर देते हैं अब असुर जो है अपना अस्त्र शस्त्र उठाते हैं और भगवान से लड़ाई करने की तैयारी करते हैं ये हम कल पढ़ेंगे आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं हम आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं हरे कृष्णा किसी का कोई यस yes? कोई प्रश्न हमेशा याद रखना गंगा कहाँ से प्रकट हुई बलि महाराज की भक्ति के स्तर को याद करना बलि महाराज के इन जो मुख्य मुख्य शिक्षा है इनको देखना और किस प्रकार उन्होंने अपने गुरु को तिरस्कार किया क्योंकि गुरु भगवत सेवा से उनको से रोक रहे थे ठीक है यहीं पर समाप्त करेंगे महामंत्र जब शुरू कर कौन सी कैटेगरी में प्रश्न आया है प्रभु जी कन्यादान को कौन सी कैटेगरी में रखेंगे कौन सी कैटेगरी कौन कौन सी कैटेगरी में पिता अगर कन्यादान करते हैं तो उनका नियत कर्तव्य है वो कैटेगरी है कन्यादान कर्तव्य है ठीक है कल एकादशी है सब लोग ध्यान रखिएगा अभी हम जाप करेंगे ब्राह्मण तो आपने हमने पढ़ा था कि वैष्णव जो है ब्राह्मणों से भी ऊंचा पद होता है तो उसमें ब्राह्मण क्यों लगाया जा रहा है पीछे क्योंकि ब्राह्मण तो अलग हो गया और वैष्णव जो है इनसे ऊपर है और वो वैष्णव क्षत्रिय भी हो सकता है ब्राह्मण भी हो सकता है शूद्र भी, भी हो सकता है वैश्य भी हो सकता है बिल्कुल ठीक बात है और दूसरा इसको इस तरह से कहेंगे कि जो वैष्णव है वो ऑलरेडी ब्राह्मण है ही है ब्राह्मण के नियमों को पालन कर ही रहा है लेकिन आ, आ, हम दो प्रकार के कैटेगरी की बात कर रहे हैं इसलिए हम कहेंगे कि समाज ब्राह्मण जो है वो अपने कुछ यजमानों की द्वारा जो दान दिया जाता है उस पर निर्भर है लेकिन वो और जो चा, चातुर्वर्ण जो है उनके सिद्धांत है उनका पालन करता है वैष्णव जो है वो मात्र जो है भगवान भक्ति करता है लेकिन भले वो वैष्णव है लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो वैष्णव हो गया तो सबको सब को छोड़ दिया नहीं वैष्णव है अपने ब्राह्मण के नियम पालन कर रहा है ब्राह्मण के घर में रह रहा है चाहे वो क्षत्रिय हो वैश्य हो शुद्र हो जो वैष्णव बन गया है तो ब्राह्मण भी है जी। तो अगर कोई वैष्णव गुरु है तो वो जो है आ, गुरु नहीं कहूंगा वैष्णव ब्राह्मण जो है वो कभी भी अपने आजीविका के बारे में इस प्रकार से किसी पर निर्भर नहीं है और वो मात्र विष्णु भक्ति करते हैं जो वर्णाश्रम के सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण के नियम है उसका पालन न करते वो मात्र कृष्ण भक्ति करते हैं जी ठीक है हरे कृष्ण हरे कृष्ण <coughs> ठीक है कुछ कहना चाह रहे कोई जाप शुरू कर ले ठीक है